चलें अब यहाँ से आगे फिर से जो प्रश्न अपन ने यहाँ छोड़े थे जो कि 33 नंबर क्वेश्चन तक शायद अपन ने कर लिए थे, चलें एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। दस कुमार बड़े होकर किस यात्रा पर गए थे, तो वह दिग्विजय यात्रा पर गए थे। दस कुमार चरित का मंगलाचरण किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो जो दस कुमार चरितम का मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और यहाँ भगवान विष्णु की आराधना की गई है। राजवाहन की माता का नाम क्या था, तो राजवाहन की माता जो थी वह वसुमती थी। विंध्याटवी में पहुंचकर राजवाहन अपने मित्रों को छोड़कर किसकी सहायता के लिए चले गए, तो वह जो कि मातंग की सहायता के लिए चले गए थे। आगे देखें प्रश्न, राजवाहन की सहायता से मातंग को क्या प्राप्त हुआ, जो राजवाहन थे राजवाहन की सहायता से जो मातंग नाम का व्यक्ति था, मातंग नाम का ब्राह्मण था, उसे क्या प्राप्त हुआ था, तो उसे असुर राज की कन्या और जो कि असुर राज की कन्या कालिंदी थी वह, और उसके बाद में पाताल लोक पर उसने विजय प्राप्त की थी। सोमदत्त की पत्नी का नाम क्या था, जो सोमदत्त था एक कुमारों में से, दस कुमारों में से एक कुमार, तो उस सोमदत्त की पत्नी का नाम क्या था, सोमदत्त की पत्नी का नाम बामलोचना था। पुष्पोद्भव की पत्नी का नाम क्या था, तो पुष्पोद्भव की पत्नी का नाम बालचंद्रिका था, पुष्पोद्भव की पत्नी का नाम बालचंद्रिका। कितने राजकुमारों के साथ राजवाहन दिग्विजय यात्रा पर निकला था, कितने राजकुमार थे, तो टोटल कुल 8 राजकुमारों के साथ वह दिग्विजय यात्रा पर निकला था। आगे देखें, सोमदत्त को मणि कहाँ प्राप्त होती है, तो सोमदत्त को जो मणि की प्राप्ति होती है वह कुदेश में होती है। कुदेश के स्वामी का क्या नाम था, तो कुदेश के स्वामी का नाम मैंने कन्फर्म यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि कुदेश के स्वामी का नाम, तो जो मणि की प्राप्ति होती है वह मणि की प्राप्ति तो इसे कुदेश नाम का जो देश है एक वहाँ पर होती है, और जो कि कुदेश का स्वामी वीर केतु है, मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया है, लेकिन यहाँ जो है क्वेश्चन 39 नंबर का है, तो कुदेश के स्वामी का क्या नाम था, तो कुदेश के स्वामी का नाम वीरसेन है, वीरसेन कन्फर्म है बिल्कुल, यहाँ टाइप नहीं है, लेकिन कुदेश का जो स्वामी है वह वीरसेन ही है, और जो सोमदत्त थे उन्हें मणि की प्राप्ति जो होती है वह कुदेश में होती है इस प्रकार से। और जो मत्तकाल था, मत्तकाल को भी किसने मारा था, तो मत्तकाल को भी सोमदत्त ने ही मारा था, उसका वध किया था। आगे देखें, राजवाहन की सहायता से मातंग, ये तो अपन ने कर लिए थे, वीरकेतु जो कि यहाँ पर, हाँ ये है देखें ध्यान से, कुदेश के स्वामी का नाम वीरकेतु, ये हो गया कंप्लीट। मत्तकाल का वध किसने किया था, तो मत्तकाल का वध जो कि सोमदत्त ने किया था, मत्तकाल का वध सोमदत्त ने किया था। पुष्पोद्भव की माता का क्या नाम था, तो पुष्पोद्भव जो थे, पुष्पोद्भव एक तो रत्नोद्भव का और पुष्पोद्भव जो कि बाप बेटे हैं, तो पुष्पोद्भव की माता का नाम सुमित्रा था। मानसार के पुत्र का क्या नाम था, तो मानसार का जो पुत्र था उसका नाम दर्पसार था, मानसार के पुत्र का नाम दर्पसार था। दर्पसार ने अपना राज्य किसे सौंपा था, तो दर्पसार ने अपना राज्य चंडवर्मा और दारुवर्मा इन दोनों को सौंपा था। राजवाहन का पूर्व जन्म का क्या नाम था, जो राजवाहन थे उनके पूर्व जन्म में उनका क्या नाम था, जब पूर्व जन्म में वह थे, तो पूर्व जन्म का उनका नाम शाम्ब था, शाम्ब उनके पूर्व जन्म का नाम था। अवंती सुंदरी राजवाहन की पूर्व जन्म की पत्नी थी, जो कि अवंती सुंदरी थी, तो राजवाहन की जो पूर्व जन्म में पत्नी थी उसका क्या नाम था, तो यज्ञवती था, जो अवंती सुंदरी थी उसका नाम पूर्व जन्म में यज्ञवती था। दस कुमार चरित में अप्सरा का क्या नाम था, जो दस कुमार चरितम है इसमें एक अप्सरा थी उसका क्या नाम था, तो जो दस कुमार में अप्सरा थी उसका नाम सुरतमंजरी था, सुरतमंजरी। और जो राजवाहन थे, राजवाहन पर बंधी जंजीर जो कि चांदी की जंजीर थी, वह चांदी की जंजीर एक अप्सरा के रूप में बदल गई थी, जिस अप्सरा का नाम सुरतमंजरी था। सुरतमंजरी अप्सरा जो थी वह मार्कंडेय, मतलब उस अप्सरा को मार्कंडेय ऋषि ने श्राप दिया था। आगे देखें यहाँ क्वेश्चन होगा, अप्सरा का नाम सुरतमंजरी था। सुरतमंजरी नामक अप्सरा
सुरत मंजरी नामक अप्सरा को किस ऋषि ने शाप दिया था? तो कौन से ऋषि थे? वह मार्कंडेय ऋषि ने शाप दिया था। अवंती सुंदरी के भाई का क्या नाम था? अवंती सुंदरी जो थी उनके भाई का क्या नाम था? तो अवंती सुंदरी के भाई का नाम दर्पसार था। दर्पसार, अवंती सुंदरी के भाई का नाम दर्पसार। मारीची नामक ऋषि किस नगरी में रहते थे? मारीची नामक जो ऋषि थे वह चंपा नगरी में निवास किया करते थे। महर्षि मारीची किस पर आसक्त हो गए थे? तो जो महर्षि मारीची थे वह काम मंजरी पर आसक्त हो गए थे। काम मंजरी पर, काम मंजरी। दशकुमार चरितम में जैन साधु का क्या नाम है? जो जैन साधु का नाम आया है वह जैन साधु कौन है? तो वसुपालित, वसुपालित नामक जैन साधु हैं जिन्हें विरूपक भी कहा जाता था। वसुपालित को विरूपक नाम से भी जाना जाता था। और जो वसुपालित का संपूर्ण धन था वह सुंदरक तथा काम मंजरी ने ले लिया था। जो वसुपालित थे इन वसुपालित का पूरा धन किसने ले लिया था? एक तो सुंदरक और काम मंजरी, इन दोनों ने ले लिया था। आगे देखें, कालिंद की पुत्री का क्या नाम था? जो कि कलिंद है, कलिंद की पुत्री का क्या नाम था? तो कल्पसुंदरी। कलिंद की पुत्री का नाम कल्पसुंदरी था। इस प्रकार से यहाँ पर लगभग 51 प्रश्न हो चुके हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि कलिंद वर्मा जो थे, कलिंद वर्मा की पुत्री का नाम कल्पसुंदरी था। और जो विकट वर्मा थे, विकट वर्मा का नाश उपहार वर्मा के द्वारा हुआ था। विकट वर्मा का नाश उपहार वर्मा के द्वारा हुआ था। आगे देखें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो कि पूर्णभद्र काशी ग्रामाध्यक्ष का बेटा था। पूर्णभद्र कौन था? तो काशी ग्रामाध्यक्ष का बेटा था। जो धर्मपाल थे, धर्मपाल के पुत्र का नाम सुमित्र था। सुमित्र का जो सौतेला भाई था वह कामपाल था। चंड सिंह की पुत्री का नाम कांतिमती था। कामपाल ने कांतिमती से विवाह किया था। तो जो कामपाल था, कामपाल का या फिर कामपाल की पत्नी का नाम क्या था? तो कामपाल की पत्नी का नाम कांतिमती था, कांतिमती। और चंड घोष की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो चंड घोष की मृत्यु जो कि क्षय रोग के कारण से हुई थी, क्षय रोग नाम का एक जो कि रोग है, उस रोग से इसकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ अपन ने बहुत देख भी लिए हैं। आगे जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन और आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी टोटल लगभग 51 यहाँ मैंने दिए हैं, लेकिन और भी बहुत सारे, इससे तो लगभग 200 क्वेश्चन तक अपन बना सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। और किसी लगभग माता पिता और ऐसे रिश्तेदारों टाइप से क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और कोई खास क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। जो कि थे तो मैंने यहाँ जो पहला वीडियो था उसमें खास खास जो क्वेश्चन थे पूछे जाने वाले वह वहाँ पर दे दिए, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ें जिससे कि और कंप्लीट हो जाए सर।